हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, और जय माता दी फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग जो मैं अष्टमी को बना रही हूँ, आज रामनवमी भी है, तो आपको रामनवमी की भी बधाई हो। और मेरे हस्बैंड नीम का डाली तोड़ रहे हैं, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो मैं फास्ट में ज़्यादातर दातून ही करना पसंद करती हूँ। क्योंकि वैसे भी कहते हैं टूथपेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए फास्ट में, क्योंकि उसमें वैसे भी नमक होता है, तो उससे आपका ब्रश टूट सकता है। तो इसीलिए मैं दातून ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ फास्ट में। तो यहाँ पे मैं डाली तोड़ रही हूँ, तो चलो दातून कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना साड़ी निकाल रही थी जो मुझे आज पहननी है, और इनका भी एक मैं कपड़ा निकाल रही थी, तो इनसे पूछ रही थी शर्ट निकाल के कि आपको कौन सी पहननी है, तो आप मुझे बता दो, मैं निकाल दूँ। तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, मुझे भी और ख़ुद भी कंफ्यूज रहते हैं। तो फाइनली ये वाली शर्ट मैंने इनकी निकाल दी है और इनको दे दूँगी, क्योंकि अब मैं नहा के आ गई हूँ, तो साड़ी पहन के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं साड़ी पहन ली हूँ, और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेकअप जो है वो कर लेते हैं। एकदम लाइट मेकअप करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, वैसे भी घर में रहना है, कहीं जाना नहीं है। और फ्रेंड्स, आज मैं एडिटिंग मॉर्निंग में कर रही हूँ, समझ लीजिए 7 बज रहे होंगे तब मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ। और हल्का सा बस वही क्रीम लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, थोड़ा सा लाइट आई मेकअप करूंगी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करूंगी। ये गए हैं पूजा के लिए फूल वगैरह लेने, भगवान जी के लिए। और मैंने मंदिर एक बार और साफ़ कर दिया था, क्योंकि पूजा करनी है, तो इसलिए एक बार और साफ़ कर दिया था मैंने मंदिर, क्योंकि जब फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो वो सब सूख जाता है ना, तो वो सब मैंने हटा दिया था। लेकिन माता रानी से के तस्वीर से फूल नहीं हटाई थी मैंने, वो यही हटाएंगे अपना जब चढ़ाएंगे तो। और वही इनसे मैं बात कर रही थी, तो पूछ रहे थे कौन सा फूल लाना है, तो मैंने कहा वही गेंदे का फूल ले आई। मुझे गेंदे का फूल ना बहुत ज़्यादा पसंद है, गुलाब का फूल भी अच्छा लगता है, इसमें से स्मेल बड़ी अच्छी आती है, लेकिन पता है गेंदे का फूल जितना खिलता है ना, उतना मुझे कोई और फूल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम ज़्यादातर गेंदे का फूल ही मुझे पसंद आता है। तो देखो आप, एकदम लाइट सा मैंने आई मेकअप कर लिया है हल्का सा, जो कि बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा है, आप बताना कैसा लगता है। तो चलो आप वीडियो के साथ थोड़ा सा मेरा मेकअप एंजॉय करो, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि साड़ी में अपना फुल लुक दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये फुल साड़ी है, पूरे रेड कलर की है और येलो कलर का बॉर्डर है, और नीचे प्लेट्स में डिज़ाइन दी गई हैं, आप देख सकते हो। तो बताना कैसा लगता है फ्रेंड्स। तो साड़ी पहन ली है, मेकअप भी थोड़ा सा कर लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। चलिए अब बना लेते हैं प्रसाद के लिए भोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भोग के लिए मैंने पूड़ियाँ फ्राई कर ली हैं, 2 पूड़ी मैंने बनाई है, और यहाँ पर बना रही हूँ इसके बाद मैं हलवा। तो चलिए बना लेते हैं, इसके बाद चल के करते हैं पूजा।
अब देखिए ये भी नहा के आ गए हैं और फूल भी ये ले आए थे, तो अब हम लोगों ने एक शुरू कर दी है पूजा। और मैं बस कैमरा सेट कर रही थी तो मैं नहीं दिख रही हूँ, तो अभी मैं दिखूँगी फ्रेंड्स। और वहाँ पे मैं थोड़ा सा गैस भी पोंछ रही थी, तो तब तक ये आ गए थे पूजा करने के लिए, तो मैं अभी हाथ वाथ धो के चली आई। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा अपनी, और वही फूल हटा के ये दूसरी फूल चढ़ा देंगे। और आप लोग पूछोगे मम्मी कहाँ हैं, तो फ्रेंड्स मम्मी जो हैं वो चली गई हैं अब अंजलि के पास, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे मम्मी नहीं हैं। मम्मी मेरी चली गई अंजलि के पास, तो आप लोग पूछना नहीं कि मम्मी क्यों नहीं दिख रही हैं। तो चलिए पूजा वगैरह कर लेते हैं, ये कपूर वगैरह जला रहे हैं, तो साथ में मैं भी हाथ लगा दूँगी। और पूजा ज़्यादातर सफल ऐसे ही होती है कि आदमी मतलब हस्बैंड जो है पूजा करें और बीवी अपना हाथ साइड से लगा दे, तो ये पूजा बहुत ज़्यादा सफल मानी जाती है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। आज दिन जो है सैटरडे है, और आज है अष्टमी और रामनवमी दोनों है, मैंने सुना है ऐसा। आप लोग बताना क्या सच में अष्टमी तो है, तो मेरा आज तो फास्ट है। और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग पहले ही आप लोग ने देखी थी, पूजा वूजा मैंने कर ली है और अभी से मैं आई हूँ। और आज जो है ना क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मैंने मतलब कि मूँगफली मंगाई हुई है, मतलब आज आलू खाने का मन मेरा नहीं कर रहा, तो मैंने आज मूँगफली मंगाई है, उसी को फ्राई करके थोड़ा सा खाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा भजन वगैरह करूँगी और थोड़ा मतलब भजन वगैरह सुनूँगी, क्योंकि सुनना चाहिए ना, वैसे भी आज आखिरी दिन है तो सुनूँगी। और कल है दशहरा, जैसा कि कहा जा रहा है कि दशहरा नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि वैसे भी कोरोना की वजह से दशहरा नहीं मनाया जाएगा। मेरे ख्याल से लोग ऐसा कह रहे हैं कि टीवी में टेलीकास्ट होगा, जहाँ दशहरा होगा वहाँ पर कैमरा वगैरह लगे रहेंगे और टीवी में टेलीकास्ट होगा। अच्छा भी है ये रूल और नियम, बहुत बढ़िया भी है, एक तरह से बहुत बढ़िया है। और अभी बस इन लोग के लिए मैंने बना दी है दाल और चावल। मेरी मम्मी भी फास्ट नहीं रहती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो फास्ट नहीं रह पाती हैं, तो वो नहीं रहती हैं, मैं ही रहती हूँ। और बस जा रही हूँ अपने लिए मूँगफली भूंजने। और आज मैंने जो रेड साड़ी पहनी है, आप लोग प्लीज़ बताना कैसी है। ये साड़ी मैंने ली थी फर्स्ट तीज पे, जब मेरा पहला तीज था तब मैंने ये साड़ी खरीदी थी। और इसको मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, पड़ी रहती है, वैसे भी मैं साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, पड़ी रहती है। तो चलिए चल के करते हैं मूँगफली को फ्राई, तल के थोड़ा सा मूँगफली खाती हूँ। और अभी उधर साड़ी वगैरह जो है सब मुझे मुझे अंदर रखना है, क्योंकि मैंने कहा था मैं नवरात्रि तक ही साड़ी पहनूँगी, तो अब मैं फिर से टी शर्ट में ही आ जाऊँगी। मुझे टी शर्ट में ना बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, ऐसा साड़ी में ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मेरी आदत नहीं है साड़ी में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा साड़ी वेयर नहीं करती हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि साड़ी पहना करो, तुम्हारे पास साड़ी अच्छी लगती है, बट मुझे ना कम्फर्टेबल फील नहीं होता है, मतलब घर में टी शर्ट में कम्फर्टेबल रहता है, मच बेटर रहता है, तो इसीलिए मैं टी शर्ट पहनती हूँ, टी शर्ट और लोअर। तो चलिए मूँगफली भून लेते हैं, इसके बाद इन लोगों का खाना बना लूँगी फटाक से, फिर इसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। जी जाइए, आप जाइए। अरे यार आप यहाँ बोल ही नहीं आप जो सूख ना दें। अरे मुझसे क्या घुस रहे हैं फोन में? इनको भी पसंद है मूँगफली खाना, अच्छी लगती है इनको।
मेरा आई मेकअप कैसा हुआ प्लीज़ आप लोग बताइएगा। बहुत सिंपल सा किया है, मैंने सोचा आज आखिरी दिन है तो थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। बताना कैसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी मूंगफली तो भून ली थी, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने दूध गरम किया था तो थोड़ा सा उबाल ज़्यादा आ गया था, तो थोड़ा सा गिर गया था, तो वही मैं गैस साफ़ कर रही थी हल्का बहुत। और इसके बाद फिर इनका खाना बनाने में लग जाऊँगी और वही बना दूँगी, थोड़ा सा दाल बना दूँगी और रोटी और चावल बना दूँगी। ये बोले हैं कि दाल रोटी रोटी और चावल बना दो। और लेकिन इधर मैं एक साइड मन किया कि चाय बना लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा चाय अपने लिए बना रही हूँ मूंगफली के साथ, थोड़ी सी चाय पी लूँगी तो पीने में भी मज़ा, मतलब चाय भी पीने का मज़ा आएगा, मूंगफली खाने का भी मज़ा आएगा, तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी चाय अपने लिए चढ़ा देती हूँ एक साइड। और इसके बाद फिर इनका खाना मैं बना दूँगी चढ़ा के कुकर में। और पानी मुझे लेने का आंगन से जाना पड़ता है क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है यहाँ से, तो इसलिए आंगन से ही मैं जाती हूँ पानी लेने। और आप देख सकते हो कपड़ा भी मैंने अभी फैलाया नहीं है, तो मुझे वो फैलाना है, बाद में फैला दूँगी, पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ और फिर चाय पी लूँ इसके बाद। तो चलिए हम खा लेते हैं, फिर इसके बाद इनका खाना बनाने में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़ा मैंने फैला दिया था, इसके बाद जो सूखे कपड़े थे ना वो मैं डायरी से ले आई हूँ और उनके लपेट के मैं रख दूँगी। और ये मेरी साड़ी जो है ना बहुत अच्छी पॉलीथीन में पैक होके मुझे मिली थी, जो पॉलीथीन मुझे बहुत पसंद आता है, ऐसी पॉलीथीन मुझे ख़रीदनी है लेकिन मैं भूल जाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं रात में एडिटिंग नहीं कर पाई थी, मैं सो गई थी, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में एडिटिंग कर रही हूँ। आप जो है लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मुझे नींद आ गई थी, मेरा सर भी दर्द कर रहा था, तो इसीलिए मैं एडिटिंग करने बिल्कुल भी नहीं आई और मॉर्निंग में एडिटिंग करने बैठ गई हूँ। तो आप लोग लाइक कर देना। और अभी चलिए किसी से मिलवाती हूँ आपको, तो पहले कपड़े जो है मैं अपने रख देती हूँ समेट के, फिर आपसे मिल। मिलवाते हैं किसी से, आइए ये देखिए, हेलो कर दीजिए, हेलो, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। हाँ, ये है मेरे हस्बैंड, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि कैमरे में लेके आइए, तो हम लेके आ गए हैं। और कल मेरा मेकअप कैसा था काली माता वाला? अच्छा था। तो फाइनली इनको मैं कैमरे के सामने ले आई हूँ, अब धीरे धीरे आना शुरू करेंगे ये, और इनको कैमरे में ही देख रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें सब लोग, बोलिए, पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हाँ, तो यहीं से मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने बाल बांधने की, गर्मी हो रही थी और मतलब गाँव साइड एरिया में जो है ठंड होनी शुरू हो गई क्योंकि वहाँ ओपन एरिया होता है, बट यहाँ सिटी में अभी गर्मी ही हो रही है, उस तरह नहीं अभी मतलब ठंड पड़ रही है कि मतलब शॉल वगैरह। मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, वो गांव साइड की थी, तो उन्होंने शॉल ओढ़ी थी, मैंने पूछा आपने शॉल क्यों ओढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि इधर गर्मी हो रही है, मतलब उन्होंने नहीं कहा, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि गर्मी हो रही है। तो चलिए करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।